जो पार्टी किसान के खिलाफ होगी उसके खिलाफ ये किसान होगा। हमने अपनी मांगे चाहिए, हमने मोदी सरकार से कोई मतलब नहीं, मोदी सरकार आए कोई दूसरी आए हमें कोई नहीं। चीनी को खदेड़ दिया मोदी ने, कहा खदेड़ दिया, खुद के लगा व्यापार चीन से हो रहा है भारत का, चीन के बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर पे मोदी का कोई बच्चा है क्या? कोई किसान के बच्चे है जिनको मरवावे हैं? अमित शाह बोल रहे हैं कि 2024 में मोदी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। मशीन जितावे पब्लिक, कौन जिता रही? मशीन जिता रही, मशीन जिता रही मोदी को। अमृतकाल है, अमृतकाल कौन सा आ गया है? क्या कर दिया अमृतकाल का? लोग भूखे मरने लग रहे हैं, बड़ा अमृतकाल हो गया। 3 रुपए किलो आलू बिका, 1 रुपए किलो गंठा बिका, अमृतकाल मरा हो रहा है। मंदिर बनने से मदिरा बंद हो जाएगा देश का। अच्छा, मुसलमान मनुष्य नहीं है, मुसलमान हिंदू। सरकार बदलेंगे 2024 में? बिल्कुल बदलेगा। शिखा सिंह अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ओर, एक बार कैमरा पर्सन दिखाइए चारों ओर किस तरीके से किसान यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, सरकार से अपनी मांग मांगने के लिए आए हैं। तो क्या यहाँ पे कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं आखिर ये लोग क्यों यहाँ पे आए हैं, धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं? हाँ, यहाँ पे आप लोग क्यों आए हैं इतनी भारी संख्या में? रोहतक से आए बेटे, जो पिछले हमने 380 दिन का आंदोलन किया रोडों पे बैठ के, सरकार ने हमारी मांगे मानी, कुछ जो हमारी चिट्ठी दी सारी मांगे मान ली, कानून तो वापस हो गए। हमारे को चिट्ठी में लिख के दिया आपको MSP देंगे, आपके सभी केसेस वापस हो जाएंगे 26 जनवरी को जो बने हैं। हमारे वहाँ रोडों के केस थे पहले, वो आपके वापस होंगे। हर किसान जो यहाँ शहीद हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट उसको मुआवजा देगी 10-10 लाख रुपए। ये कृषि सचिव का दस्तक हुआ हुआ लेटर हमारे पास है, बिजली बिल का जो लाया था वो वापस होगा, वो वापस नहीं हुआ आज तक। MSP भी कमेटी बना दी, आज तक उसकी एक मीटिंग के बाद कोई नहीं हुआ। हम यहाँ आए हैं, यदि इसको अब जल्दी से जल्दी 24 के चुनाव से पहले लागू नहीं किया गया, हमारी मांगे नहीं मानी, तो हम चुनाव से पहले पिछले साल की तरह फिर यही बैठ जाएंगे दिल्ली को चारों तरफ से घेर के। किसान आंदोलन 2 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, किसान आंदोलन 2 करेंगे आप लोग? करेंगे। तो 2024 में आप BJP की सरकार बनने नहीं? 23 में करेंगे, 24 में क्या है, 23 में करेंगे। तो फिर अगर सरकार आपकी मांग मान लेगी तब तो मोदी जी की सरकार आएगी? ये बात नहीं, हमने अपनी मांगे चाहिए, हमने मोदी सरकार से कोई मतलब नहीं, मोदी सरकार आए कोई दूसरी आए हमें कोई नहीं। हमने अपनी मांगों, हम कांग्रेस नहीं मानी तो कांग्रेस के खिलाफ भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, जो पार्टी किसान के खिलाफ होगी उसके खिलाफ ये किसान होगा। मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं? गलत है, गलत है। क्यों, आप हिंदू गलत है? हिंदू हम तो क्यों हिंदू राष्ट्र के खिलाफ? पहले से हिंदू, अब हिंदू बनेगा क्या? आप मुसलमान के खिलाफ हो गए? नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, ये बताओ। आज मोदी नए नहीं बना रहा, ये राम के टाइम से जो है ना, आर्य समाज देश है, हम आर्य हैं, हिंदू नहीं। हिंदू एक फारसी शब्द है, फारसी का। तो मोदी जी जो बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र, और वो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो लोग उनने ना, यहाँ RSS का सिस्टम है सारा, ये धीरेन्द्र शास्त्री और सब में RSS का षड्यंत्र जुड़ा है, ये और कुछ कौन है? मोदी जी भारत जो है विश्व पटल पे अपना नाम रोशन कर रहा है, आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वो चीनी क्या घुस रहे पटल पे कर रहे हैं? वो सियोल में मोदी क्या कर रहा था 2014 में, जो पहले हिंदुस्तान में पैदा हुआ उनको शर्म आती है, वो मोदी था सियोल में बोलने वाला कि मेरे को शर्म आती थी मैं हिंदुस्तान में पैदा हो गया। आज ये प्रदेश देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रभक्त हो गया क्या? पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। चीनी को खदेड़ दिया मोदी ने, कहा खदेड़ दिया, खुद के लगा व्यापार चीन से हो रहा है भारत का। आज आपको पता है मालूम है, चीन में
मोदी जी को मोदी अमर का नाम दिया जाता है। चीनी भी मोदी से बहुत प्यार करते हैं। करें जाएंगे हमने ना मेरा चीनी का नहीं मतबल ना है, हमने अपने किसान से मतबल है, हम किसान के लिए लड़ेंगे। मारे मरे के मोदी अमर है, किसान के लिए लड़ते मोदी का बालक है कोई उड़े। चीन के बॉर्डर पे हमारे बॉर्डर पे मोदी का कोई बच्चा है क्या? कोई किसान के बच्चे है जिनको मरवावे हैं। अमित शाह बोल रहे हैं कि 2024 में मोदी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं आएगी, नहीं आएगी। तब मोदी जिएंगे, तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। रह जाएगा हमने क्या ठेका मेरे यार, रह जाएगा हमने हमारे खिलाफ जो काम करेगा उसके खिलाफ रहेंगे। मोदी ने वोट कौन दे मशीन जितावा पब्लिक कौन जिता रही मशीन जिता रही मोदी को रखी। अच्छा मोदी ने कोई भी मोदी ने जितना घोटाला करके जितना आप ये बोल नारा कर दिया तो सारा देश करोड़। आपको क्या लगता है कि मोदी जी आपकी बात मानेगी? नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। जमा कोटा करके छोड़ा आप लोग उनसे मनवा के छोड़ेंगे, क्या करेंगे आप लोग? कोटा कर जाएंगे, गुड़िया चला जाएंगे। वोट का गला चलावा नहीं चल रहे तो वोटा गला है। किसान को तो खालिस्तानी बोल दिया, गुंडा बोल दिया, बोलना तो कम चल रहा है। फिर प्रतिबंध ला जाओ हमारे पे, क्यों कर रहे हैं? गोली मरवा जाओ उनका खालिस्तानी आ गए। मेरी झूठ बोल रहे हैं गुंडिया। यू इंडिया यानी दिल्ली का चारों तरफ कम्युनिटी जमींदार कम्युनिटी बैठी, मुसलमान ना जा खाली कराए, अंग्रेज ना खाली, ईसाई खाली करावांगे। हिंदू का जकरा छोड़ दे, आर्य मंदिर बना दिया, आर्य मंदिर से मारे करा दा, मंदिर मारे करा रहे, मंदिर हमने खाने कौन देंदे, मंदिर में तो मंदिर वाले भी लुटे रहे हैं, मंदिर वाले लुटे रहे हैं और क्या है। मंदिर गुरुद्वारे हैं, वह कितने लंगर लगा हुआ है, गरीबों की सेवा करें। मंदिर वाला बता किसकी सेवा करे? अमृतकाल है, वीआईपी की अलग से टिकट लगती है मंदिर में जाने की। ये अमृतकाल है, अमृतकाल कौन सा अमृतकाल है? अमृतकाल कौन सा है क्या है? क्या कर दिया अमृतकाल का? लोग भूखे मरने लग रहे हैं, बड़ा अमृतकाल हो गया। 3 रुपए आलू बिके, 1 रुपया किलो गंठा बिके, अमृतकाल मरा हो रहा है। किसका हो रहा है अमृतकाल? सब्जी भाई 70,000 रुपये किला खर्चा, 50,000 की 20,000 का तला और उसकी मेहनत गई इसी में। क्या कर दिया या है नहीं? मोदी जी से सब बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत अच्छे नेता करते को नहीं। हम तो छकाए रखे हैं, हम तो छकाए रखे हैं, उदी करते होंगे करनी है जो से करेंगे। किसान के लिए जवान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हमेशा काम करते हैं, वो बोलते हैं भाई है हमारे। 13 महीने क्यों बिठाए उदी, जैसा प्यार करने दे दो। क्या कर दिया? हाँ बताओ क्या करे उदी, 13 महीने बिठाए। बहुत सारा काम होता है, आप थोड़े पीछे आ गए इसलिए आप लोग 13 महीने तक बैठ गए होंगे। पीछे कैसे आ गए आप? सुने उनको तो प्रधानमंत्री, उनको दूसरे दूसरे देश जाते हैं घूमने के लिए, बातें करते हैं। दूसरे देश हम काटे काटा जाके तंग में बैठ के दिखाई दिए बिना। भारत का आप दूसरे देश से अच्छा संबंध, घर बसाना नहीं आया, देश चलाया जाएगा, घर नहीं बसा लिंदा। वो तो अपना घर परिवार त्याग दिए देश के लिए, त्याग दिया, छोड़ दी, वो किसी की बेटी बन दी। उसकी माँ हिंदू धर्म में रीति रिवाज है अपना, औरत रोर सब की उसके कर, उसकी लुगाई क्या नहीं बुलाई उसकी उड़ा है, वह धक्के खान दिया लायक रही। वो हिंदू धर्म जीत खड़ा गया था उसका, हिंदुस्तान बनाओ था। वो तो बोलते हैं मेरी बात सुन, वो तो बिचारी सारे बुलावा बिना मरे तो बाल नहीं मुंडवाया, वो बिजी थे ना, वो बहुत व्यस्त हैं, वो तो एक बिजी कुछ नहीं क्या बिजी, बिना मरे तो और तो नहीं दूसरा लत्ता भी नोड़ सकती, वो तो बिचारी लत्ता भी नोड़ सकी, क्यों यू मेरा यू जीवा था जो मर्जी अंदा तो वाला थोड़ी दूसरा घर बसा के किसी घर किसी कल के नहीं रही। ये तो आप गलत बोल रहे हैं, उन्होंने देश के लिए, देश के लिए अपनी पत्नी को छोड़ा है। क्यों छोड़ दी अपनी नाट ले अंदा दिल्ली रख, दिल्ली रख जा, ओड़ा जड़ा मुख्यमंत्री ओड़ा रख, ओड़ा रखिए नहीं। योगी जी सन्यासी देख रहे हैं, बाबा है, बाबा के उसके कोसी बहू है, वो तो ना रखो चे रखो, उसका तो थी ब्याह भी हुई, उसी के मेरा लुगाई ने क्या तकलीफ है, छोटे पाछे तो किसान के लिए मोदी सरकार कुछ भी नहीं कर दे, कुछ नहीं। 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 24 में हमारी बनेगी, काम करेगी उसकी, किसान के हित में कौन काम कर रहा है? किसान के हित में यू छोरा रहा, चरण सिंह वाला पोता रहा, एक नूना ना राजस्थान वाला रहा, यहाँ रहे ये हरियाणा में पड़े, इसमें पंजाब में। सरकार किसकी बनेगी, आप लोग किसको? एक मोर्चा और बना लेंगे बे न्यारा, इस इन दोनों माता न्यारा मोर्चा बना के ना, और अपना चला लेंगे,
अपना चला लेंगे और अपनी बना ले सरकार, अपनी सरकार बनाएंगे और तेरा भी नहीं बनाई दिया वोटर भाई भी सरकार अपनी बना लेंगे। नया मोर्चा नया खड़ा करना बतेरे 2024 से पहले आपकी मांग मान ली जाएगी तो आप लोग 2024 में मोदी सरकार यू चाहे जाज बेटा ना कौन दे मांग वोट फिर भी कौन दे यू फिर कर देगा मान ली मतलब ये तो गलत बात है। आप लोग मान जब मांग लेगी एक मिनट तब तो आप वोट देंगे ना। मेरी बात आए मेरी सुन मेरी मेरी सुन मेरी सुन इसी जरूरत पड़ेगी जब मान ली इब ये 5 साल लग बैठा रहा इब लग कौन माननी मतलब इसका नशा में लठा जाए फिर मान ले फिर क्या फायदा हम कमा दूसरे दिन मान लेता अरे धक्के खाते फिर 200 किलोमीटर तक चल के आए हैं इसका क्या बिगड़ गया इसका क्या बिगड़ा 200 किलोमीटर गेहूं में पानी देना था अरे यहाँ खड़ा हूँ गेहूं में पानी देना था दिन की लाइट है तड़कन रात की हो जाएगी कड़े दूंगा पानी रात में धक्के खाऊं आज आड़ा आना पड़ गया मतलब किसी भी हाल में आप मोदी जी को नहीं देवा प्रधानमंत्री बनेगा 2024 में तेरे भर के मेरे छोरी है नेता कोई बनाओ हमने मतलब नहीं ना पार्टी तो ना उस ठीक है ना बाकी वो है हिसाब हो हिसाब तो काम हो जो भी 2024 में किसकी सरकार बनेगी किसकी बड़ा हमारी माता किसी के बढ़ दो ठीक है ना किसान का आप लोग कांग्रेसी हैं कौन कांग्रेसी नहीं आप लोग हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है आप लोग मोदी के खिलाफ है आप लोग राम मंदिर के खिलाफ मैं किसान हूँ मोदी ने भेज रखी है मंदिर बनने से मदिरा बंद हो जाएगा देश का। जब देश का मदिरा नहीं बंद होगा तो मंदिर बनने से क्या लाभ। मंदिर का मतलब ये होता है कि जब हमारे देश में राम राज आएगा तो मदिरालय बंद हो जाएगा सिर्फ विद्यालय चलेगा। जब मदिरालय बंद नहीं हो रहा है गांव गांव में मदिरालय खुल रहा है तो कैसा राम भाई बता दीजिए कैसी राम की कृपा है कि हम देशवासियों को मदिरा पिला रहे हैं। हमारे पिला रहे हैं आपके मुंह में जाके थोड़ी मोदी जी दे रहे हैं आप लोग खुद खरीद के। जब भगवान के इच्छा से काम होता है जब सब कुछ भगवान के इच्छा से होता है तो भगवान छोटे छोटे बच्चों को मदिरा क्यों पिला रहे हैं नशीली वस्तुएं क्यों खिला रहे हैं। सरकार को चाहिए कि पूरे देश से नशीली वस्तुएं बंद हो जाए मदिरालय बंद हो जाए विद्यालय में उच्च शिक्षा दिया जाए विद्यालय में आपके कहने से शराब बंद हो जानी चाहिए है ना। क्या आप पियेंगी शराब हम आप पीते हैं शराब हम नहीं पीते हैं नहीं पीते हैं नहीं पीते हैं तो नहीं पीते हैं तो तब अच्छी बात है। जब हम नहीं पीते हैं वो शराब पीते हैं आप पत्रकार होकर के शराब नहीं पीना चाहती हैं तो देश के किसी भी नागरिक को शराब नहीं पीना चाहिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। फैक्ट्री बंद होनी चाहिए शराब का। तो इस सरकार से कुल मिला के आप लोगों को बहुत शिकायत है ना? और बहुत ज्यादा शिकायत है। लेकिन गृह मंत्री जो है अमित शाह जो है गृह मंत्री है वो बोल रहे हैं 2024 में किसी भी हाल में मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा ऐसा बात कर ले गलती है या केस है या मशीन में इसका करा गलतियों को इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार को अमित शाह को पता है कि हम वोट जनता दे या न दे हम गद्दी पर बैठेंगे वोट की क्या जरूरत है। नहीं उनको पता है कि जनता उनको पता है कि जनता प्यार करती है उनसे और उन्हीं को वोट देगी। जनता किसी से जनता जनता बाबा सलवार पर घेर दो ज्यादा नहीं वो कड़ा जा रहे उनको 35 रुपये डीजल होगा वो बाबा भी उसके घेरे में भी मैं था पहले लड़कियों का घेरा फिर आदमियों का घेरा उस घेरे में भी मैं था। ये बेरानी बाबा क्या काला धन लियाओगे फलाना लियाओगे बेरानी मारा और आर्य समाज जी हो वो मेरी ख्याल में स्वामीनारायण का नाम ही खराब कर रहा है मेरी ख्याल में तो। वो तो मुसलमानों को बोलते हैं कि मुसलमान भगाओ रामदेव बाबा भी बोलते हैं इंसानियत धर्म है कोई मुसलमान हिंदू नहीं है इंसानियत है सिर्फ एक धर्म है और हिंदू मुसलमान लव जिहाद करते हैं आप क्या कि लव जिहाद करती है मुसलमान मनुष्य नहीं है मुसलमान हिंदू राष्ट्र में खतरा है हिंदू लड़की को फंसाते हैं हिंदुओं के लिए खतरा है मुसलमान। अच्छा ये बताइए मुसलमान हम पूछते हैं महात्मा गांधी की शादी किससे हुई जब भारत का संविधान कहता है जब भारत का संविधान कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई तो उसमें फंसाने की क्या बात है। भारत का संविधान यह अधिकार देता है चाहे जिस जाति धर्म में शादी कर लो
तो फिर आप लोग ऐसा गलत सवाल क्यों पूछते हैं कि मुसलमानों से देश को खतरा है? तू मेरी बात सुन भाई। धीरेन्द्र शास्त्री है ना, धीरेन्द्र शास्त्री बाबा मध्य प्रदेश में छतरपुर के बाबा है, वो भी बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं, देश से बुराइयां समाप्त होनी चाहिए, सबको सत्कर्म करना चाहिए, चोरी भ्रष्टाचार खत्म होनी चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जिन किसानों ने 200 रुपए क्विंटल दिया उनका धान तौलाया, और जिसने नहीं दिया उनका धान नहीं तौलाया। आज जो है कि 18 रुपए किलो चावल बिकता है, पर साल 1200 रुपए क्विंटल चावल बिका था। बताइए ये कौन गुंडागर्दी है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोग सब मिलके किसान का जो आंदोलन करे उसका नारा लगा दीजिए। चल तू मेरी बात सुन। हाँ, वो लगा दूंगा नारा। बताइए इसका अमित शाह का लड़का वो बन गया इसका अध्यक्ष, क्यों बन गया? क्यों बन गया? क्योंकि वो मंत्री का नेता था, काबिल था। खेल के बारे में तू बवाली है तू, फिर वो करे बकवाद राजनीति, वो खेली क्रिकेट मेरी सुन, वो खेली है तनु करे गुल्ली डंडा लिया और मैं मारूंगा तो रहता बीती है पकड़ के दिखा दिए खेली है मार मेरा साला का चार किले अब जाके पड़ दी उससे तो गणे निशान। अब आप नेता के बेटे के खिलाफ आप बोलेंगे? नेता बेटा क्या करने, खिलाफ नहीं, खिलाफ नहीं, जो हो जो हो जो हो कानून तो हो और कादे तो हो संविधान के हिसाब तो हो नहीं कभी खेले है के बीसीसीआई का अध्यक्ष बना अमित शाह का बेटा, तो इसे आपको क्या परेशानी है? परेशानी है उससे तू बाड़ू कर दी लूटना इसका। हां फिर इस बार भी बच्चे इसमें हिस्सा है। मैं युवाओं को नौकरी दे रही है मोदी सरकार, बना दो खिलाड़ी है उसी मेरा जब युवा पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहां से मिलेगी? हम लोग किसी के खिलाफ नहीं है, हम लोगों को सबको समान अधिकार चाहिए, सबको समान शिक्षा चाहिए, समान वेतन चाहिए, तब समान विकास होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से ये मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये लोग अड़िग हैं कि 2024 में मोदी की सरकार तो हरगिज नहीं बनेगी। ये लोग मोदी सरकार से बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं। हम मोदी के खिलाफ नहीं, इसकी नीति के खिलाफ, नीति के खिलाफ खाली नीति बढ़िया नहीं, नीति बढ़िया नहीं। 15 लाख रुपए सबके खाते में आ गए। मार तो 2000 भी नहीं आ रहे, दो भी नहीं आ रहे, मार तो 2000 भी नहीं आए। बोलो आज लो नहीं आए। पकौड़ा आत्मनिर्भर बना रही है भारत को ये खड़े। हाँ हाँ कदीब किसी से पूछ लो, फोन तो ले। हमने 2000 के वो नहीं जोड़ो बिल्कुल भी, हमने जो है ना जो हमारा हक है खाली वो दे दे, बस जो हमारा हक है वो दे दो। बताऊं तो मैं मार दो। वो चाय बना के प्रधानमंत्री बन गए, आप लोग भी चाय बनाइए और प्रधानमंत्री बनिए। और हम चाय बनावा तो रोज हिल्ला करे, रोज खेती में काम ना करते अपन। सॉरी इसकी माँ भी गल्ला को नाखी ओडे मिलन जांदा जिस पर रुपया खर्च हो जा, और वो गरीबा में नहीं बांट देता। इसकी मान मिलन इसकी मान दिल्ली में थोड़ी जगह बढ़िया बताओ कोठी नुका यू ग्राउंड इससे बड़ी कोठी इसकी ओडा, फिर और इसकी माँ नहीं रह सकती, इसकी बहू नहीं रह सकती, उसमें रह कौन सकती? इतनी करना माने को लिया रखता था ये आपकी माँ का कौन गया ओडा जानता फोटो तुरवाण खातर माँ का मुंह में ओ लादा क्यों छेचर कर रहा है माँ का मुँह अनाड़े नहीं रखता रोज शांत के पैर पोछ के सो। अनाज 5-5 किलो अनाज दे रही है गरीबों को। ये 5 किलो मैं दे दूंगा, दे होगी जिसको दे रही हमें नहीं मिल रहा। इससे 2 करोड़ जनता को अनाज देगी। अनाज ने पैदा कौन कर रहा किसान? हमें कुछ नहीं मिल रहा, इस अनाज को पैदा कौन कर रहा किसान? किसान को बताओ क्या मिल रहा है? बोलो क्या काला कानून वापिस ले लिया? कहाँ ले लिया? कहाँ ले लिया? कागज में क्या बताओ, क्या कर दिया लिखित में दिया कहीं? अब इन्होंने 2024 में जिताइए सब कुछ। अब यो किसान परेशान है, रात को सांड घेरने पड़ते हैं जब यो किसान पैदा करेगा इस गेहूं ने। 2024 में वोट की चोट देंगे क्या इसको किसान? क्योंकि जिम्मेदारी थोड़ा है की चोट देंगे, वोट की चोट क्या करेंगे? वोट की चोट देंगे। हाँ बदलेंगे सरकार, सरकार बदलेंगे 2024 में, बिल्कुल बदलेगा। तो ये लोग, आप लोगों ने इन लोगों की बात सुनी, ये लोग सरकार बदलने की बात कर रहे हैं, ये लोग अपनी मांग को लेकर अडिग हैं। ये लोग एक साल पहले जब 2020 में आंदोलन हुआ था 380 दिन का, उस समय जैसा ही माहौल अभी ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार मांग इनकी पूरी नहीं की तो किसान आंदोलन दो ये लोग करेंगे। पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ मैं शिखा सिंह, जनहित आवाज, दिल्ली।